आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए घंटे के निशान पर। मैं आईएएस रब्बानी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार 19 मार्च को रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन किया, फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, 24 मार्च को टीवी पर 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की, 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे वीडियो संदेश के जरिए लोगों से मुखातिब हुए। उन्होंने आगे क्या कहा आप खुद देखिए। के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा उस प्रकाश में। तो आपने अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन सुना, उन्होंने क्या कहा आप देखें। अब मैं आपको बताऊंगा WHO की रिपोर्ट कि कोरोना वायरस से WHO पूरे वर्ल्ड में कितना कहां लोग मरे हैं, उसकी रिपोर्ट देखिए, आइए देखते हैं। WHO के अनुसार जारी रिपोर्ट में कोरोना वायरस से अब तक चीन में 3,327 लोग मरे हैं, इटली में सबसे ज्यादा 13,157, स्पेन में 9,053, दक्षिण कोरिया में 169, अमेरिका में 3,846। वहीं अब भारत की बात करेंगे, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमणों की संख्या 3,000 के करीब पहुंचने वाला है और मरने वालों की संख्या 68 तक पहुंच चुकी है। जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन सुना, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हम लोगों को बताया कि बत्ती, दिया और मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर हम डॉक्टरों का उत्साहवर्धन करें, जो सैनिक हमारे देश में काम कर रहे हैं, जो पुलिस टास्क काम कर रहे हैं, सबका उत्साहवर्धन के लिए हम लाइट का काम करें, लाइट जलाने का काम करें, ताकि पूरे देश में एकता की भावना उत्पन्न हो। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है और इस तरह की चीजों का हम पूरा समर्थन लोगों को करना चाहिए। पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को बत्ती जलाना चाहिए ताकि डॉक्टरों को हौसला मिले, उनको पता चले कि हमारे देश का 130 करोड़ लोग एकजुट होकर इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। वही अगर पूरे अभिवादन को आप गौर से सुनेंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के और महामारी को लेकर के या फिर बेरोजगार जो लोग हैं इधर उधर भटक रहे हैं सड़कों पर, उनको लेकर के एक भी बात नहीं बोले हैं जो चिंताजनक विषय है। वहीं अगर आप चीन की बात करेंगे तो चीन एक ऐसा देश है जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मात्र 10 दिन में एक हॉस्पिटल बनवा लेता है और 3,00,000 स्क्वायर फीट का उसका आइसोलेशन वार्ड बन जाता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में अब तक आइसोलेशन वार्ड की संख्या बहुत कम है और वेंटिलेटर की संख्या अत्यंत ही कम है, ये एक चिंताजनक विषय। ऐसे में भारत के लाखों करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री अपने अभिवादन में इस तरह की बातें करते ताकि लोगों को स्वास्थ्य से लेकर के
चिंता से मुक्त होना पड़े, लेकिन ऐसी अभिवादन ना